हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो लंबी ज़रूर होने वाली है, लेकिन भाई मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट आपके लिए लेके आ चुका हूँ, क्योंकि हमारे न्यू ईवो गन, न्यू मैप और बहुत कुछ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले न्यू मैप के बारे में। तो आप देख सकते हैं नीचे फ्री फायर ने यहाँ पर मैंशन कर दिया है नेक्स्ट टीरा न्यू मैप। तो यहाँ पर ये न्यू मैप की वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आ जाऊँगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैप काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि आपको याद होगा रीमास्टर था तो उस पर ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन भाई जो ये आने वाला मैप है ना, काफ़ी ज़्यादा आउट क्लास है और ये काफ़ी मैप से इसके, यानी कि फिलहाल जो एक मैप की जो पिक्चर निकल गई है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा भी है और लग भी ऐसा रहा जैसे बरमूडा को यानी कि रीमेक किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, तो आपको याद होगा एक सर्कल आया था, तो वैसे कुछ होने वाला है, लेकिन ये भी थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो आप देख सकते हैं जो ओल्ड आया था वो भी काफ़ी अच्छा था, उसके अंदर हम जैसे यानी कि सर्कल में जाते थे लोकेशन चेंज हो जाती थी, तो वैसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक हम अंदाजा ही लगा सकते हैं क्योंकि नीचे ही बना हुआ है और एक और देख सकते हैं कि घर के ऊपर छत के ऊपर भी इस तरह का बना हुआ है, तो हो सकता है कि हम इसके अंदर यहाँ से जाएँ और ऊपर से निकलें, क्या ये चीज़ तो आनी चाहिए फ्री फायर के अंदर। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि अगर हम रश कर रहे हैं तो देखा कि भाई पूरा का पूरा स्क्वाड पीछे लग गया, जट से अंदर घुस गया और ऊपर छत से निकली और रफू चक्कर हो गए, या फिर हम यहाँ से गए वहाँ से हम निकलेंगे तो वहाँ पर माइन लगा दिया और बैठ गए, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ सकता है। दोस्तों बात करते हैं ईवो गन के बारे में, तो आप देख सकते हैं न्यू ईवो का बैनर लॉन्च कर दिया है फ्री फायर ने ऑफिशियली कमिंग सून। तो मैं आपको बता दूँ ये 12 तारीख से पहले पहले इन गेम में देखने को मिल जाएगी, मतलब कि 12 अगस्त से पहले आपको इन गेम में M1887 M1887 ईवो गन देखने को मिल जाएगी, तो तगड़े वाला डैमेज होने वाला है। उसमें आपको एक इमोट भी देखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ, लेकिन वो पुरानी बात कि भाई पैसे तो आपके लगने, यानी कि डायमंड तो आपको तगड़े वाले लगाने पड़ेंगे, लेकिन M1887 भाई गन बहुत ख़तरनाक है और ईवो गन होगी तो भाई चस करा देगी। बाकी दोस्तों बात करते हैं इसे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो आप कैलेंडर देख सकते हैं ये कैलेंडर निकल के आया है सिंगापुर सर्वर का, लेकिन लीक्स के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि इंडिया सर्वर के लिए भी सेम होने वाला है। बाकी आप देख सकते हैं ऊपर लिखा भी हुआ है एक्सचेंज स्टोर, जिसके अंदर बेट की स्किन, कार की स्किन और बाइक की स्किन देखने को मिल सकती है, ऊपर 5th एनिवर्सरी कैप्सूल वगैरह है। बाकी नीचे आपको देखने को मिल रहा है आपका न्यू यानी कि ट्राई नेक्स्ट एरा मैप, जो कि 20 अगस्त से अवेलेबल हो जाएगा हमारी गेम में। बाकी जो हमारा करेक्टर है वो 28 अगस्त को हमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि जस्टिन बीबर, जो हमें फ्री में देखने को मिलने वाला है फ्री फायर की तरफ से, क्योंकि 5th एनिवर्सरी और एनिवर्सरी के अंदर फ्री फायर आपको पता है कि रेड क्रिमिनल न्यून को भी रिटर्न कर रही है, तो यह सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, क्योंकि जिनके पास रेड क्रिमिनल है मुझे पता है वो आजकल शौक के अंदर है, तो उन्होंने गेम खेलना ही ज़्यादा छोड़ दिया और दिल छोड़ा मत किया करो, खेला करो, ये चीज़ें आने जाने वाली हैं कुछ टाइम के बाद। देखते हैं जो पर्पल से गेम प्ले हो रही है ये भी इन गेम में देखने को मिल जाएगा, लेकिन भाई तब तक मैंने आईडी बेच देनी है, तो मैंने सोचा हुआ है भाई लगता है आईडी देनी पड़ेगी, लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी दो बंडल मेल के दो फीमेल के बंडल हमें देखने को मिलने वाले हैं, और राइट पर आप देख सकते हैं टॉप क्रिमिनल न्यून हमें देखने को मिलने वाला है, बाइक की स्किन भी ज़्यादा बनी हुई है, और नीचे ईवो गन जो है M1887 की स्किन कुछ टाइप की होने वाली है, ग्लू वाल और कुछ इमोट, एक एनिमेशन जो आ चुका है, बाकी नीचे आप दो इमोट देख सकते हैं ऊपर की तरफ, तो ये इमोट हमें इन गेम में देखने को मिलने वाले, तो ये सारा का सारा सीन होने वाला है 5th एनिवर्सरी का। और सबसे पहले बता दूं कि हमें यानी कि देखने को मिलने वाली है ग्लू वाल और M1887 की स्किन, तो उम्मीद करते हैं कि हमें ये दो चीज़ें पहले देखने को मिलेगी, टॉप क्रिमिनल वाली ग्लू वाल भी स्किन 12 तारीख से पहले इन गेम में देखने को मिलने वाली है। जब वो इवेंट आएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों चले आप दिल को थाम ले, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही HD पिक्चर रेड क्रिमिनल न्यून की, जो हमारी इन गेम में आने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इसका फेस कुछ इस टाइप का होने वाला है, तो बाकी यहाँ शर्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ इफेक्ट वगैरह बने हुए हैं, उसके बंडल सेम टू सेम वही है, लेकिन क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक दफ़ा तो आपको लगेगा ओल्ड क्रिमिनल, उसके बाद आपको इस तरह का एक इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। लेकिन ना कल की एक वीडियो मैंने आपको यानी कि 2 नाइट अपडेट में अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि भाई जो बंडल है दो आने वाले हैं 1 बाय 1 गेट फ्री वाले, तो वो भी एक लीक्स निकल के आई थी कि हो सकता है कि इस तरह भी पॉसिबल हो जाए। बाकी आप देख सकते हैं यार देखने में ये बंडल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था कि अगर ऐसा हुआ 1 बाय 1 गेट फ्री वाला सीन हुआ, तो जिनके पास ऑल रेड क्रिमिनल है ना यार, उनको भी परचेज करना पड़ जाएगा, तो वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि यार अगर हमने ना परचेज किया तो हमारे पास तो होगा रेड क्रिमिनल, लेकिन जो जिन्होंने न्यू परचेज किया होगा भाई, उनके पास रेड क्रिमिनल भी होगा साथ में उनके पास न्यून भी होगा, तो ये तो एक मजबूरी बन चुकी है। बाकी देखते हैं कि फ्री फायर और क्या क्या कुछ लाता है, क्योंकि भाई बहुत कुछ आना बाकी है। तो बाकी आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय फ्रेंड।